हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल पढ़ाई। आज है 4 नवंबर 2020 और डिस्कस करने जा रहे हैं 4 नवंबर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। विच पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हैज लॉन्च द मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स? ऑप्शन आर इंडियन रेलवे, DMRC, DTC, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें महिलाओं के सुरक्षा के लिए पैसेंजर ट्रेन्स में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। Where did India's first tire park is to be come up? भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, नॉन ऑफ दिस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल। दोस्तों, भारत का पहला टायर पार्क बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, और कौन बना रहा है उसे? द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि बसेस के टायर्स होते हैं या फिर किसी और चीज़ के जो टायर्स होते हैं, वेस्ट टायर्स होते हैं, उनको यूज करके वो भारत का पहला टायर पार्क बना रहे हैं। विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंसस प्रोसेस? ऑप्शंस आर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चाइना। दोस्तों, चाइना स्टार्ट करने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सेंसस, यानी जनगणना। वो पूरा चाइना की जनगणना करने जा रहा है। वेयर डिड मालाबार एक्सरसाइज टू बी हेल्ड? ऑप्शंस आर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, गुजरात, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बे ऑफ बंगाल। दोस्तों, मालाबार एक्सरसाइज जो कि होती है भारतीय नौसेना, जापान और US के बीच में, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये कहाँ हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में। पहला फेस इसका कब से स्टार्ट है और दूसरा फेस कब से स्टार्ट है, यह हमने मेंशन कर दिया है। हु लॉन्च्ड ग्रीन दिल्ली ऐप टू रिड्यूस पॉल्यूशन कंप्लेंट? ऑप्शंस आर अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नॉन ऑफ दिस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है ग्रीन दिल्ली। इसमें सिटीजन्स जो हैं दिल्ली के कंप्लेंट कर सकते हैं पॉल्यूशन को लेके। वर्ल्ड वैगन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ऑप्शंस आर 4th नवंबर, 1st नवंबर, 3rd नवंबर, 2nd नवंबर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1st नवंबर को मनाया जाता है विश्व वैगन दिवस। इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड द वर्चुअल कोर्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? ऑप्शंस आर नागपुर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नागपुर। दोस्तों, नागपुर में भारत का पहला वर्चुअल कोर्ट बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है न्याय कौशल। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात? ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, None of the above. Answer of this question is Modi, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास भारत का पहला सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया है। कहाँ पे है ये? नर्मदा रिवर के पास, साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। हाउ मैनी इंडियन
state and union territories observe their foundation day on 1st November. Options are 6 state, 5 UTs, 9 state, 4 UTs, 8 states, 5 UTs, none of the above. Answer of this question is 8 states, 5 UTs. दोस्तों 1 नवंबर को 8 राज्य और 5 यूटी केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जिनका फाउंडेशन डे 1 नवंबर को होता है। दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये वो यूटीज हैं जिनका फाउंडेशन डे स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट द फायर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम सुकोई 30 MKI? ऑप्शंस आर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर है इसका भारत यानी कि इंडिया। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सुकोई MKI से ब्रह्मोस को। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे किया गया है? ये बे ऑफ बंगाल में। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ गई है। दोस्तों समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।